कैसे हो बच्चों? बस बच्चे ही रहना और ह्यूमर से बच के रहना। बच्चों, आपसे मैं लाइव बात करने आया हूँ, कुछ ख़ास बातें साथ लेके आया हूँ। इसलिए जब तक ये बातें पूरी नहीं हो जाए, लास्ट तक साथ अपना बना रहे। सबसे पहले 5 र्यूमर्स, उनका खंडन करना है, उन्हें ख़त्म करना है, उन्हें डिसमेंटल करना है। दूसरा, कुछ बड़ा कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना है। तीसरा, कोई डिफ़िकल्टी है फॉर्म भरने में, उनका सॉल्यूशन देना है। और चौथा, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन है एलन प्लेटफॉर्म पर, उनको भी मुझे बताना है। तो जो जो बातें होती जाए उसमें आपका कुछ भी रिएक्शन हो, उसको ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जो भी आपका रिएक्शन कमेंट के रूप में ज़रूर बताना, ठीक है? तो सबसे पहले वो 5 र्यूमर्स। तो सबसे पहली है नीट की डेट। यहाँ पे एक मैं सॉलिड ब्रॉड लाइन बोल रहा हूँ, नीट की न्यू डेट का वेट मत करना। नीट अभी भी वही ऑथेंटिक 12 सितंबर को होने जा रही है, होने जा रही है, होने जा रही है। गवर्नमेंट बहुत इसका बेताबी से इंतज़ार कर रही थी कि कैसे एग्ज़ाम को लें, इसलिए वो तो पूरा तैयार है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हमेशा गवर्नमेंट आपकी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पर रखेगी, क्योंकि पढ़ाई से ऊपर हेल्थ है। इसलिए अगर कोई भी बात कोरोना के कारण बिगड़ती है तो फिर अगर जो डिसीजन लेती है वो आपके हेल्थ को लेकर, अपन उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तो अपन पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे और ह्यूमर से अपने को दूर रखेंगे, उसके लिए कान बंद रखेंगे। सेकेंड, नीट के सिलेबस को लेकर, यहाँ पे अगेन एक सॉलिड लाइन बोल रहा हूँ, नीट का स्टैंडर्ड सिलेबस वही है जो लास्ट टाइम 2020 में था। नीट के सिलेबस में कोई न्यू वर्ड, कोई रिड्यूस वर्ड, कोई ओल्ड वर्ड, कोई डिलीट पोर्शन वर्ड, कुछ भी नहीं है। नीट का सिलेबस वही है। सीबीएसई अपने सिलेबस को रिड्यूस करे, कुछ भी करे, नीट के सिलेबस की सेहत पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि नीट के कोर सिलेबस को डिसाइड करती है नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, NMC। नंबर 3, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ था आप सब जानते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो यहां भी अगेन बात कह दूं, सेक्शन ए का सिलेबस बिल्कुल सेक्शन बी के सिलेबस के बराबर है। यहां भी वो तरह के वर्ड रिड्यूस, ओल्ड, न्यू, डिलीटेड पोर्शन, सीबीएसई, कुछ नहीं। दिमाग में इस बात को बैठा लो, NMC डिसाइड करती है नीट के कोर सिलेबस को और वो वही है। इसलिए सिलेबस वर्ड सेक्शन ए सेक्शन बी बिल्कुल दोनों बराबर हैं। अब आती है 4th नंबर, और वो आती है सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की र्यूमर। आपको मालूम है सेक्शन ए, मैंने लास्ट टाइम कहा था, वेरी इजी। सेक्शन बी में आपका चॉइस है, उस चॉइस में आपको कोई से 10 करने हैं। आप कोई से 10 करेंगे, आपने अगर ज्यादा कर दिए तो वो चेक नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका चेक करने वाला वो मैनुअल नहीं है, OMR स्कैनर मशीन है, और उसको देते इंस्ट्रक्शन, उन्हें केवल आपके पहले 10 चेक करने हैं। आप कोई से भी 10 करिए, उसमें कोई गलत होता है नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके जो पहले 10 उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी अगर गलत होता है, लेकिन आपने 10 से ज्यादा कर दिए तो जो ज्यादा है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन क्यों ज्यादा कर रहे हो, क्यों माइंड टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अर्ली 10 कर लो भाई, जो पहले फटाफट हो जाए उनको कर लो। तो ये ध्यान रखना, आप कोई से 10 करेंगे और उसको पहले 10 ही चेक करने। अगर आपने ज्यादा करे, मान लो आपने किसी ने ऐसा कर दिया, 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, 6 7 8 9 10 कर दिए, अभी आपके 8 हो गए, 11 12 कर दिया और आगे 13 14 15 भी कर दिया, तो आपके 13 14 15 को चेक नहीं किया जाएगा, और गलत हो जाए तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। इसलिए यहां इससे भी क्लियर कर लेना। चलो एक खेल से आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। आपने सुना होगा एक खेल होता है हाउजी, उसमें भी पूरे 15 नंबर होते हैं। एक वहां पे प्राइस रखते हैं अर्ली 5, मान लो अपना ये अर्ली 10 होता तो क्या होता है, इसके अंदर जो भी वहां पे अनाउंस कर रहा है नंबर काटते काटते, जब 10वां नंबर कटेगा तभी कोई प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है। अगर उसके बाद 11वां 12वां कट गया और अगर कोई 12वें पे क्लेम कर रहा है तो वहां तो टिकट को बोगी करके फाड़ देते हैं। यहां ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहां पे आपका फालतू में टाइम माइंड एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसका ध्यान रखना। कंक्लूड कर रहा हूं इसको ताकि बिल्कुल ही बात दिमाग में ना आए, आप ज्यादा करेंगे
कोई फ़ायदा नहीं, आप ज़्यादा अच्छा है छांट के 10 करें, और वो आप ज़्यादा करोगे तो भी आपके पहले 10 ही चेक करेगा, और पहले दस में कोई गलती होगी तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और उसके आगे अगर आपने कर दिए तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन वो आपकी फालतू में टाइम एनर्जी वेस्ट करने का तरीका होगा। पाँच वाली उम्र वो है साहब, जैसे अभी हाल CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आया, राजस्थान बोर्ड का रिज़ल्ट आया, और भी स्टेट बोर्ड के रिज़ल्ट आएंगे, तो बच्चों के दिमाग में आ गई बात, जितनी मुंडी उतनी बुद्धि, कि सर ये बोर्ड का परसेंटेज का क्या रहेगा। सीधे बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है, आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन होते हैं एजुकेशन पैनल को, जो भी बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट करी उसको, कि बच्चों को किसी प्रकार से एग्ज़ाम देने से रोका ना जाए। अरे आपको मान लीजिए बोर्ड का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो बोर्ड के परसेंटेज को लेकर आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं पालना है। और आपको इजी कर दूं, आपने अगर इसका कैटलॉग बुलेटिन देखा होगा तो इसमें साफ लिखा है आपके चार सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, अभी होता है अनरिजर्व कैटेगरी, और साथ में इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, कमजोर आई वर्क, EWS कह सकते हैं। इनके लिए चारों को मिला के एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए, और हर में पास होना जरूरी है। और दूसरा ग्रुप जो OBC है, SC ST है, उनके लिए वो एग्रीगेट 40% है, और हर में अलग अलग पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसलिए मुस्कुराओ कि इस बार जब स्कूल के हिसाब से पढ़ाई नहीं हुई, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए, तो मान के चलना, बिल्कुल इस बात को दिमाग में बैठा लेना कि बोर्ड के हिसाब से आपको कोई परसेंटेज ऐसा नहीं देगा कि आप इसके कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाओ, आपके आराम से मस्ती से वो परसेंटेज आएंगे। इसलिए पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, नीट के ट्रैक पर करो, बोर्ड की परसेंटेज का टेंशन मत पालो, पूरा फोकस अपने नीट की पढ़ाई पे कर डालो। ये पांच तरह की बच्चों अभी र्यूमर्स थी। अब इसके बाद अभी और कुछ बातें आ सकती हैं, क्योंकि कई तरह की बातें समय के साथ आ सकती है, आपके दिमाग में कोई बातें उठ सकती हैं। तो मैं एक तरीका कह रहा हूँ, आज से रिमोट कंट्रोल अपने हाथ पे रखना। उसका एक तरीका क्या है, अभी तक जितनी भी अफवाह हैं, ठीक है, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना, इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग आपको जानबूझ के डिमोटिवेट करना चाहेंगे, फालतू की बातें करना चाहेंगे। इसलिए एक काम करना, सबसे पहले एक कागज़ लेना, र्यूमर्स जितनी भी आपको अभी तक दिख रही सबको लिख देना, आपके दिमाग में कोई भी तरह की बात आ रही उसको भी लिख देना। एक कागज़ और लेना जिसमें आपको अभी तक अपनी पढ़ाई में लग रहा है मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता, मेरे बायो का रिवीजन नहीं हो रहा, मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं बने, या मेरे को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही, कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको, कुछ लग रहा है ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, जितनी बातें से लग रही, जबकि आपको ना हर चीज़ पॉसिबल होती है। इसलिए एक तरीका बता रहा हूँ, उस कागज़ पर जो जो आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, उन सबको, जिसमें अपने मिरर को आप अच्छी तरह समझते हो, लिख देना। अभी दो कागज़ तैयार हो गए, एक में तो र्यूमर्स और दूसरे में आपके जो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, आई कांट, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, उन दोनों कागज़ को लेकर चलना, गड्ढे दो खोदना, एक गड्ढे में ये वाला कागज़ डालना र्यूमर्स वाला, और दूसरे में डालना आपका जो आपके लिए इम्पॉसिबल है उसको डालना, और दोनों में मिट्टी डाल देना, और उसके बाद दोनों को भर देना। ये आपकी दोनों चीज़, अभी तक की र्यूमर्स भी उनका भी दफन हो गया, और जो चीज़ आपके लिए असंभव है उनका भी दफन हो गया, अब जो भार रह गया वो आपके लिए सब संभव है। ध्यान रखना, हर चीज़ आपके लिए आगे पॉसिबल है। इसके बाद आती दूसरी बात बच्चों, ये मेरे अफवाहों का सेक्शन खत्म हो गया। जैसे ही आपका ये अभी हाल गवर्नमेंट ने 27% OBC के लिए किया, और 10% EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए किया, तो जिन बच्चों को इस कैटेगरी में है उनको लगा हम फॉर्म में क्या करें, कन्फ्यूज़न हो गया, हम कौन सा भरें, EWS भरें कि अनरिजर्व कैटेगरी भरें, या जिसने फॉर्म पहले भर दिया वो कैसे इसमें करेक्शन करें। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कुछ भी रिजर्वेशन का एडवांटेज मिलता है हमेशा उसको वो कैटेगरी भरनी चाहिए। जिसने फॉर्म भर दिया है वो आराम से, करेक्शन विंडो आपको मालूम है 8 अगस्त से 12 अगस्त आ रही है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। और जिन्होंने नहीं भरा वो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है, जो भी आपको एडवांटेज दिया रिजर्वेशन का बच्चों, पहले आपको वहाँ से कोई मेडिकल के हिसाब से कॉलेज मिल जाता है, सीट मिल जाती है, तो वो देखा जाता है। अगर वो कोटा पूरा हो गया तो आपको ट्रांसफ़र कर देते अनरिजर्व कैटेगरी, और वहाँ से आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। कई बार हम देखते हैं रिजल्ट आया OBC में किसी की फर्स्ट रैंक है, लेकिन उसकी अनरिजर्व कैटेगरी में 12th रैंक है, तो रिजल्ट बता रहा है कि उसको दोनों जगह दिखाया जाता है। ऐसे आप अपने लिए आराम से जो आपका रिजर्वेशन का कोटा है, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आप जो भी हो, आप OBC हो, आप EWS हो, पहले आप अपनी उस कैटेगरी को भरो, और जिसने नहीं भरा वो करेक्शन विंडो में इसका करेक्शन कर लेना। करेक्शन विंडो तो आपके पास आएगी, आपको मालूम है फॉर्म की जो डिफिकल्टी होती है उसकी बात भी मुझे करनी है,
उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी बात है कन्फ्यूजन दूर करो। अब जिन बच्चों को जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है उनको लगा यार सरकार ने ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को ये एडवांटेज दे दिया, हमारे तो सीट कम हो गई, वो हल्का सा टेंशन में आ गए। अरे मुस्कुराओ बच्चों, उसमें ज़्यादा सीट नहीं जाएगी, कुल मिला के जो सीट है ना वो लगातार हर बार बढ़ रही है। पहले आपके 2014 में सीट थी आपकी 54,308 और आज आपके 2021 में हो गई है 84,649। जो अभी आलिए 26 जुलाई को एडवांटेज दिया रिजर्वेशन का ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को, उसमें कुल मिला के 1500 सीट जाएगी आपके ओबीसी में और 550 जाएगी ईडब्ल्यूएस में। आपके पास अभी भी बहुत सीट है, 558 मेडिकल कॉलेज हैं पूरे। और ये बता दूं ये सीट जो है ना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ये केवल आपके नेशनल मेडिकल जो कॉलेज हैं, सेंट्रल लेवल पर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उनमें जाएगी। जैसे एएमयू है, बीएचयू है, इस तरह के जो कॉलेज हैं एमएमसी, इसमें आपके स्टेट मेडिकल कॉलेज में इससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसमें आपके लिए ये एडवांटेज ओबीसी ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया गया है। ये दिमाग में क्लियर कर लेना, तब तो आज से ये विश्वास रखना कि आपको आराम से अभी भी एक सीट मिल सकती है। इस तरह के एडवांटेज से आपका सिलेक्शन फ्री नहीं हुए। आज से अपना अंदर का आत्मविश्वास इतना तगड़ा करना कि जहां आप अपने लिए रूम में जो स्टडी रूम है, जहां आपकी टेबल कुर्सी में आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हो, वो जो कुर्सी है ना, आज से मान के चला मेडिकल कॉलेज की आपकी वो सीट है, यानी आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हो, इतना विश्वास रखना। इस विश्वास से अपने पढ़ाई के सफर को आगे लेके चलना। तो ये बात थी आपकी इस तरह कन्फ्यूजन की। दूसरी बात, अभी जो फॉर्म भर रहे हैं बच्चे उसमें जो डिफिकल्टी आ रही है, जो जो बात पूरी उसमें आपका जो भी अपना कमेंट्स और रिएक्शन में बच्चों जरूर लिखते रहना। जो डिफिकल्टी है उसमें एक डिफिकल्टी होती है जो बच्चों से गलती भी होती है, ना चाके भी हो जाती है, एक आपका जो उसमें डेट ऑफ बर्थ भरना होता है, क्योंकि हर साल बर्थडे मनाते हो तो आपको मालूम है बर्थडे में आपकी डेट क्या है और मंथ क्या है, लेकिन जनरली आपको यह नहीं ध्यान रहता कि ईयर ऑफ बर्थ क्या है। तो आप जल्दी में भरने में डेट भी भरते हो, डे भी भरते हो, लेकिन ईयर रनिंग ईयर भर देते हो। जैसे आपका 2021 चल रहा है तो आपने अगर 2021 भर दिया, इसका मतलब आपने इसी साल नीट को देने के लिए जन्म लिया है। तो मुस्कुराने की बात है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ लाइफ, जहाँ मौका मिले, लेकिन वहाँ पर ध्यान रखना अगर किसी ने ये गलती कर दी हो तो ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बोर्ड के हिसाब से परसेंटेज की चिंता बिल्कुल मत करना। और तीसरा, मैंने आपसे कह दिया है, जिसने अभी तक अगर ये उसके पास नहीं था एडवांटेज और पहले अगर अपने फॉर्म को भर चुका है, तो अभी करेक्शन विंडो में जो भी आपको एडवांटेज दिया है गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का, बच्चों इसका फ़ायदा जरूर उठाना। आप करेक्शन विंडो में अपना जो आपको एडवांटेज मिल रहा है उसको चेंज कर लेना, ठीक है जी। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन एलएन प्लेटफॉर्म से। एलएन के लिए बच्चे पूछते बारी बार, सर ये ऑफलाइन क्लासेस कब चालू होगी? अरे गवर्नमेंट इशारा तो करे, एलएन तो पूरा तैयार है, और जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा धांसु अंदाज में एलएन वापस चालू हो जाएगा ऑफलाइन की तरह से। दूसरा, कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन मोड पर होता है, लेकिन अभी हमारी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की, रिहर्सल टेस्ट की ऑनलाइन चल रही है, तो हम इसमें इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगेन बात वही है बच्चों, सबके लिए हेल्थ पढ़ाई से ऊपर होती है, कहीं बड़ी बात ना हो जाए, कोई बात बिगड़ ना जाए, इसलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशन के हिसाब से, जहाँ बचाव ही उपचार है पूरा ध्यान रखना है। आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जब गवर्नमेंट की ओर से सिग्नल मिलेगा वहाँ से आपके लिए ऑफलाइन ये टेस्ट प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगी। एक बात आती है कि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से पेपर किस नेचर के हो रहे हैं, तो 22 जुलाई से बच्चों, जब से ये पैटर्न बदला था एलएन के प्लेटफॉर्म पर, 22 जुलाई से हर पेपर जो अभी 2021 में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, या जो आगे 21, 22, 22 में देंगे, सबके लिए न्यू पैटर्न पर बिल्कुल पेपर के हिसाब से एग्जामिन किया जा रहा है। बच्चों को उसी टेस्ट के हिसाब से, उसी पैटर्न पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात समझ में आ गई। एक बात और, कि अब पढ़ाई का टाइम आ रहा है, परफॉर्मेंस देने का टाइम आ रहा है, वन मैन शो करने का टाइम आ रहा है, इसलिए बच्चों जो ख्वाब पाला है उसको अब जीत में कन्वर्ट करना है, हकीकत में कन्वर्ट करना है। इसलिए जीत उसी की पक्की होगी जिसकी सनक जरूर होगी, और जिसकी सनक जितनी बड़ी होगी उसकी जीत उतनी बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता, अलग ढंग से करता है, यही डिफरेंस एक विनर और लूजर में होता है। वैसे लूजर कोई नहीं होता, ये मैं आपसे कह चुका हूं, हम कभी हारते नहीं, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं,
ये रिहर्सल टेस्ट आपको बता रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं, बस अपने विश्वास से लगातार जो टाइम आ रहा है उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, उसके लिए तैयार होते जाइए। और बाकी एक बात और, मैंने आपसे वादा कर रखा है मैं आपके लिए दीवार बन के खड़ा हूँ बच्चों, कोई भी समस्या हो, कोई भी र्यूमर्स हो, पहले मुझसे टकराएगी, मैं डायरेक्ट आपके पास जाने नहीं दूंगा, आपसे पहले पहुंचे, उससे पहले चकनाचूर होके उसका चूरमा बना देंगे। आप हमेशा स्माइलिंग फेस से अपने ट्रैक पे लगे रहिए। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये मैंने क्यों गाया बच्चों, आगे मैं 3 वीक के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम है ये सोशल मीडिया इतना प्यारा तरीका है कि हम दुनिया में कहीं भी हों हम जुड़े रह सकते हैं, लेकिन अब 3 वीक के लिए मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, आपसे जुड़कर बात कर सकता हूँ। केवल जो मेरा अपना एक YouTube चैनल बनाया है, मैंने इसलिए बनाया उसको ताकि मैं आपसे लगातार कनेक्ट रहूं, और एक जो Instagram के हिसाब से मेरा लिंक है उसमें बच्चों से जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे ही बात कर पाऊंगा। मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, आपकी कोई भी समस्या आएगी मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, लेकिन बच्चों ये सफ़र 3 वीक का आगे का थोड़ा लंबा है, इसमें मेरे को जहाँ पर भी आपसे बात करनी है, मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल के हिसाब से कल से स्टार्ट कर दिया, उससे कुछ कोटेशन दिए मोटिवेशनल कोटेशन, ऐसे इसमें मोटिवेशनल शॉर्ट्स भी चलेंगे छोटे छोटे, सर्टेन सेकंड्स के, 25 सेकंड, 36 सेकंड, ऐसे 1 मिनट के अंदर चलेंगे, और लगातार कोई भी अगर आपकी बात आएगी तो वो समस्या का सॉल्यूशन भी करूंगा। मुझे आगे इस 3 वीक के सफर में जो मुझसे जुड़े होंगे उनसे ही बात कर पाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी तक जो नहीं जुड़ा वो जुड़ जाना, मुझे अभी आपके साथ आना है बच्चों। नीट के हिसाब से आपको स्कोर कैसे प्रोड्यूस करना है, आपका जितना भी पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना है, स्मार्टनेस से मैक्सिमम मार्क्स कैसे प्रोड्यूस करना है, एक वो स्ट्रेटजी लेके आनी है। ऐसे ही जेई मेंस के अंदर जो अभी अगस्त में लास्ट अटेम्प्ट बाकी है 4th, उसमें एजेशन रीजन क्वेश्चन आते हैं जिनको मैं शॉर्ट में कहता हूँ AR, उनको यार करके तैयार करना है, उसमें एक स्मार्ट तरीका बताना है, मैं उनसे ही बात कर पाऊंगा। जो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है यूट्यूब का, मेरा चैनल का दे रखा, उसमें सब्सक्राइब हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, या जो इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है उसमें जुड़ चुके हैं। और एक मुझे बात करनी है एडवांस के बच्चों के लिए जो कई बार कह रहे हैं कि ऐसा स्मार्ट तरीका बताना है कि सिलेक्शन पक्का हो जाए, ऐसा सॉलिड स्मार्ट स्ट्रेटजी बतानी है कि पक्का सिलेक्शन तो हो जाएगा top 8 IIT में। तो मैं आपसे कह चुका हूँ, पहले भी कहा था आज फिर कहा है, मैं आगे बिल्कुल आपके साथ जुड़ा हूँ, कमिटमेंट मैंने आपसे किया है, आपके हर के चेहरे पर स्माइल रखनी है, लेकिन आगे मेरे लिए मजबूरी है, 3 वीक के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, इसलिए आप जो मेरे से जुड़ जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पर जिसमें दे रखा है, इन 2 पे मैं आपसे बात करूंगा, इस पे लगातार मेरा आपके साथ कुछ ना कुछ लाइव में आता रहूंगा, और आपकी जो भी चीज़ है उसके ट्रैक को स्मूथ इजी करता रहूंगा, और किसी तरह की प्रॉब्लम आप तक नहीं आने दूंगा, ये मैंने आपसे कमिटमेंट किया है। तो बस आगे के सफर के लिए चलते चलते ही बोलूंगा, समय के साथ जो हमारा आज कल और चलता है, कल आज और कल, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें ये बोलूंगा, पास्ट हैज गोन, फ्यूचर इज अननोन, बट प्रेजेंट इज योर ओन, तो पढ़ाई का शो मस्ट गो ऑन, पढ़ाई का शो मस्ट गो ऑन चलना चाहिए बच्चों। तो फॉरगेट द पास्ट, वॉच द प्रेजेंट टू क्रिएट बेटर टुमारो, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आगे, मिलते रहेंगे, ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा, जो मुझसे जुड़ा होगा मैं उससे जुड़कर बात करता रहूँगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम कहीं भी दुनिया में हो हम आराम से जुड़कर बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट।